डिश टीवी का एक बॉक्स आया भाई, और प्रॉब्लम है आप देख लो, ये सामने प्रॉब्लम आ रही है आपके, बस जस्ट ए मिनट। जैसे ही ये स्टार्ट होता है और ये डिश टीवी का सेटअप ख़त्म होता है, तो इस पर सिर्फ ये डिश टीवी लिखाता है और उसके बाद इस पर कुछ नहीं आता, ना ही इसका कोई भी बटन, जैसे हम मीनू प्रेस कर रहे हैं तो कुछ काम करता है। ये देखो ब्लिंक करेगी बत्ती, बस ये ब्लिंक कर रही है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लिंक भी कर रही है लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये डिश टीवी ही लिखा आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके सेट टॉप बॉक्स में भी ऐसा हो जाए, तो सबसे पहले आप अपनी ये केबल जो है इसको हटा लोगे, आ जाएगा सामने सिंगल नॉट फाउंड। अब ये आप कनेक्शन उठा के एक साइड ही रखे रहोगे, उसके बाद इसको, इसका जो पावर कोड है 12 वोल्ट के अडोप्टर वाला, इसको निकाल लोगे और दोबारा लगाओगे, तो दोबारा से सेट टॉप बॉक्स हमारा स्टार्ट होएगा। वेट करोगे जब तक ये सेटअप पूरा ना हो जाए, देख पा रहे होंगे फिर पहले जैसा ही आ गया है, सिग्नल नोट फाउंड आ गया है। तो अब हम अपने मेनू का बटन जो है उसको कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे और वेट करते रहें, कंटिन्यू दबा के रखें, वेट करें। तो आप देख रहे होंगे ये सेटिंग खुल गई हमारी, एडवांस सेटिंग। अब हम, ये प्रॉब्लम आती है जब जब हम कुछ फ्रिक्वेंसी चेंज कर देते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स की। तो आप देख रहे होंगे फिलहाल ये वाली फ्रिक्वेंसी है, तो हम जो SE S8 है उसको सेम रखेंगे, 12688 भी ठीक है, वर्टिकल भी हमारी ठीक है, और सिंबल रेट 27500 भी ठीक है, यूनिवर्सल LNB भी रखेंगे, और ये जो डिस्क वन है हमारा इस पे करेंगे हम नन, और पावर LNB ऑन ही रखेंगे। देन हम अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने अपनी डिश की तार हटाई थी इससे, अब वो डिश की तार हम दोबारा से लगा देंगे अच्छे से। सेव एंड स्कैन पे आएंगे और ओके करेंगे, तो आप देख रहे होंगे सर्च ले रहा है हमारा सेट टॉप बॉक्स, और जो इसने चैनल लॉस्ट किए थे वो चैनल अब दोबारा आने लगे हैं, और सेविंग इन्फॉर्मेशन और प्रेस ओके। देन अभी देखते हैं हम, आप देख रहे होंगे हमारे चैनल आ चुके हैं। तो सिंपल सा स्टेप है, अगर आपके डिश टीवी में भी ऐसी प्रॉब्लम आती है और स्क्रीन ब्लैंक होती है, तो आप ये वाला सेटअप जिस तरह से बताया है आप करके अपने डिश टीवी को दोबारा चला सकते हैं, नहीं तो आपका बॉक्स कस्टमर केयर में जाएगा ही जाएगा, कस्टमर केयर वाला ये सब नहीं करेगा और आपसे ले लेगा 400 से 600 रुपए के लगभग, तो आपके पैसे बच जाएंगे ये सेटअप करने से। आप देख रहे होंगे अब हम सब चैनल चेंज कर पा रहे हैं, और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना दोस्तों।